हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आज आपके लिए क्लास फाइव का यूनिटरी मेथड लेके आई हूँ। ये मैं आपको समझाऊंगी कि यूनिटरी मेथड क्या चीज है। एक है यूनिटरी मेथड। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये दो टू टाइप ऑफ मेथड है। जैसे कि एक है डायरेक्ट रिलेशन और एक है इनवर्स रिलेशन। मैं आपको समय के अनुसार जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी कि कौन सा मेथड किस टाइप का है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इफ फिश वेइंग 3 kg कॉस्ट ₹90, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फिश वेइंग 7 kg। द वेइंग ऑफ द फिश एंड इट्स प्राइस आर इन डैश रिलेशन विथ ईच अदर। डैश इन द सेंस इनवर्स रिलेशन और रुपीस, क्योंकि यहाँ रुपीस पूछा गया है तो इसीलिए जो क्वेश्चन होगा अपने को ये साइड में लिखना है और जो क्वेश्चन नहीं है ये यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि 3 kg फिश का दाम है 90 rupees, तो 7 kg का क्या दाम होगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको बना लेना, सीख लेना है, तब आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो चलिए मेथड थ्रू करते हैं। इसमें लिख लेते हैं एक अकॉर्डिंग द यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये लाइन आपको लिख लेना है प्रत्येक बार में। अभी चलिए 3 kg फिश कॉस्ट ₹90। ओके, देयरफॉर 1 kg फिश कॉस्ट ₹1, कितना हुआ? ये 3 kg का दाम ₹90 है, तो 1 kg का दाम कितना होगा? तो ये होगा डिवाइड में होगा, 1 kg अपने को निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 kg फिश कॉस्ट इज, अभी 7 kg यहाँ 1 kg का दाम बोल रहे हैं इसीलिए डिवाइड हो रहा है, तो 7 kg मतलब ज्यादा हो जा रहा है ना, तो ये डिवाइड में नहीं बल्कि आपका इनटू में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको काटा काटी करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 90 और कुछ नहीं जा रहा है, इक्वल टू 21 and 0, इन द सेंस 210 rupees। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया है, इसीलिए लिखेंगे देयर फॉर 7 kg फीस कॉस्ट ₹210, दैट इज आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। सुलेखा हैज ब्रॉट 8 bottles ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर 120. Now she want to buy 5 similar bottles. How much money would Sulekha need? सुलेखा को खरीद के लेके आई है 8 bottles ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने का जो है बोतल वो 8 लेके आई है, जिसका दाम है ₹120। नाउ सी वॉन्ट टू फाइव बाई मोर सिमिलर, माने वो 5 और उसको इसी तरह की बोतल चाहिए जो लेके आई थी, तो उसको अभी और सुलेखा को कितना रुपया जरूरत है। तो चलिए करते हैं सेकंड नंबर, नंबर ऑफ बोतल एंड अमाउंट ऑफ बोतल। ठीक है, ये दो लिख लेना है। क्या है ये? 8 bottles का दाम है, 8 bottles का दाम है ₹120, तो रुपीस, तो 5 bottles का दाम कितना है? तो 5 bottles का दाम कितना है? ठीक है, सब समय याद रखिएगा, ये आपको मेथड बना लेना है, सीख लेना है बहुत अच्छे से, और जो क्वेश्चन होगा हमेशा अपने राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग द यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड
इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ 8 बोतल कॉस्ट रुपीज 120, नंबर ऑफ 1 बोतल कॉस्ट इज 120 बाई 8, तो नंबर ऑफ 5 बोतल कॉस्ट इज कितना है, तो ये लिखेंगे 128 बाई 5। यहाँ एक बोतल का है इसीलिए ये डिवाइड हो जाएगा, तो वन बोतल का दाम निकलेगा। अभी वापस से पूछा 5 बोतल का दाम कितना होगा, तो इसको पहले काट लेते हैं अपने, 8 4 2 4 8 2 6 12, ये 0, फिर से कटेगा 2 2 जा, फिर से कटेगा 2 3 जा एंड 0, फिर से कटेगा 2 1 जा एंड ये कटेगा 15। ठीक है, अब ये कितना बार आया, 75 रुपीस, रुपीस 75 मोर। ठीक है, ये एक नंबर, ये दो नंबर। अभी इसको मैं देखिए, मैं बता देती हूँ, ये डायरेक्ट रिलेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी, ये डायरेक्ट रिलेशन इसलिए बोलते हैं कि देखिए 3 kg अगर कोई चीज है, 3 kg का दाम अगर 90 रुपीज है, तो 7 kg का दाम क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। यदि यहाँ पर 3 kg है, मैंने 3 kg माने कम है, तो यहाँ पर भी रुपीस कम हो रहा है, और यहाँ पर 7 kg माने 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ बढ़ रहा है, तो निश्चय यहाँ पर भी इसका दाम बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर भी बढ़ना और यहाँ पर भी बढ़ना, यहाँ कम, यहाँ पर अगर कम होता है और यहाँ पर भी कम होता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डीपेन बाबू हैज बॉट 6 टॉवेल फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम रुपीज 840, हाउ मच वुड डीपेन बाबू वुड हैव पेड इफ ही हैड brought 5 similar towel। यदि दीपेन बाबू 6 टॉवेल को खरीद कर लेके आते हैं बाजार से, उसका 6 टॉवेल का दाम है 840, तो दीपेन बाबू वुड हैव पेड इफ 5 सिमिलर, यदि और 5 का अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो उनको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर 6 टॉवेल का दाम अगर यहाँ पर 840 है, तो 5 का निश्चय यहाँ पर कमेगा ना, तो कम जाना मतलब ही डायरेक्ट रिलेशन, ये भी रिलेशन डायरेक्ट का आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड नंबर टॉवेल एंड कॉस्ट। ठीक है, तो 6 टॉवेल का दाम है 840, और 5 टॉवेल का दाम कितना है, ये आपको हमेशा अच्छे से समझ के बनाना है। ठीक है, ये देखिए 6 टॉवेल का दाम इतना है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 6 टॉवेल्स कॉस्ट इक्वल टू 840। ठीक है, देखिए अच्छे से समझना, 6 टॉवेल का दाम है 840 रुपया, तो एक का मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ये बार बार मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर गुण करना है, कहाँ पर भाग करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ पर देखिए 6 टॉवेल का दाम अगर ज़्यादा है, तो एक टॉवेल का दाम निश्चय कम होगा ना, तो इसीलिए डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 टॉवेल कॉस्ट इज 840 बाई 6 डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर 5 टॉवेल कॉस्ट इक्वल टू 840 बाई 6। ये एक का दाम अगर कम जाएगा तो 5 का दाम बढ़ जाएगा, इन द सेंस मल्टीप्लाई होता है ना, 6 से 6 1 जा 6। अभी इसको यहां पर मैं आपको भाग करके दिखा देती हूँ, 6 से 6 1 जा 6 2 24 4, ये 0 ये 0 नीचे, तो 140, ये 140, अभी 140 इंटू, ये 140 इंटू 5 कितना हुआ बच्चों, 0 0 होता है, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 7, 700 रुपीज। तो लिखेंगे दीपेन बाबू वुड हैव पेड रुपीज 700,
दैट इज आंसर। ठीक है, नंबर फोर में चलते हैं। हबू कैन ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 4 आवर इन हिज मोपेड बाइक, हाउ मच अ डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल इन 6 आवर। मतलब क्या है, हबू बाबू ट्रेवल करके माने यात्रा करके जाता है 4 घंटे में 100 किलोमीटर, तो यही डिस्टेंस अगर वो 6 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। सिंपल सी बात है, चलिए करके देखते हैं। 4 नंबर आवर्स एंड किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर कितने घंटा, 100 किलोमीटर 4 घंटा में ट्रेवल करता है, 100 किलोमीटर 4 घंटा में ट्रेवल करता है, तो 6 घंटे में कितना करेगा, 6 घंटे में कितना किलोमीटर करेगा। तो देखिए यहाँ 4 किलोमीटर 4 घंटा में 100 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में और भी ज़्यादा जाएगा ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर भी तो बढ़ा, तो जब यहाँ से यहाँ बढ़ा ये बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो इसका इसका क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। बाबू ट्रबल 4 आवर्स इन 100 किलोमीटर, ठीक है, देयर फॉर हाबू बाबू ट्रबल 1 आवर इन 100 बाई 4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि एक में कम जाएगा, तो एक में कम जाना मतलब भाग हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश, देयर फॉर हाबू बाबू ट्रबल 6 आवर 100 बाई 4 इंटू 6, यहाँ से यहाँ काटते हैं अगर, तो 2 जा और ये हो गया 3 जा, ये हो गया 50, इन द सेंस 5 3 जा 15 10 किलोमीटर। देखिए 4 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में 150 किलोमीटर, यहाँ बढ़ा है तो यहाँ पर भी बढ़ गया है। बाबू बाबू ट्रबल इन 150 किलोमीटर इन 6 आवर्स, दैट इज आंसर। ठीक है, अ गुड्स ट्रेन कैन ट्रेवल 210 किलोमीटर इन 6 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर इन 5 आवर। तो मतलब गुड्स ट्रेन माने क्या, गुड माने अच्छा, नहीं यहाँ एस है, गुड्स है, गुड्स एस जोग हुआ है, तो मतलब कोई भी सामान, सामान को बोला जाता है गुड्स। ठीक है, गुड्स ट्रेन माने जो सामान माल पत्र जो लेके आते हैं उसका ट्रेन ट्रेवल करता है 200 किलोमीटर में 6 घंटा में 200 किलोमीटर 210 किलोमीटर 6 घंटा में 210 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, आवर्स एंड किलोमीटर। जो क्वेश्चन होगा सब समय अपने राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो ये 210 किलोमीटर इन 6 आवर में ट्रेवल करता है, तो यही 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन The train 6 hour take to travel 210 kilometer, ठीक है, 210 kilometer, तो the train 1 hour में कितना kilometer जाएगा, 1 में है तो 6, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, देखिए यहाँ 6 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में और भी कम जाएगा, मतलब यहाँ बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा है, यहाँ कमा है तो यहाँ भी कम जाएगा, तो 1 घंटे में 6 घंटे में ज़्यादा जाता है तो 1 घंटे में कम जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा। अभी 5 घंटे में ट्रेवल करने में 210/6 इंटू 5, ये 5 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2
जीरो फाइव, ठीक है, टू फाइव जा टेन। अभी इसको थ्री से फिर से काटते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन। यहाँ पर कितना आता है, थर्टी फाइव इंटू फाइव इक्वल टू फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, कैरी टू, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवेंटीन। तो कितना जाएगा, 170 किलोमीटर इक्वल टू 175 किलोमीटर। तो आंसर में लिख देंगे अपने, क्या लिखेंगे आंसर में, कितना दूर में जाता है, कितना कवर करता है, पाँच घंटा में 175 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कवर 175 किलोमीटर, ये 175 किलोमीटर इन 5 आवर्स, दैट इज 9। सिक्स नंबर में चलते हैं, वन डजन ऑफ एग्स कॉस्ट इज 48, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 19 एग्स, वन डजन इक्वल टू 12। ये सभी को पता है, एक दर्जन के सामान में 12 होता है, तो आप सभी को पता है। तो चलिए इसका सिक्स नंबर में कर देते हैं, मैं इसका बता देती हूँ। एक दर्जन अंडे का दाम है 48 रुपया, तो 19 अंडे का दाम कितना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक का निकालना पड़ेगा। तो सिक्स नंबर में चलते हैं, एक सेंट रुपीस, तो एक्स कितना है, वन डर्जन माने 12 एक्स का दाम यदि 48 रुपीस है, तो 19 एक्स का, 19 एक्स का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो लिखते हैं, चलिए, वन 12 पीस कॉस्ट रुपीस 48, ठीक है, वन एट प्राइस कॉस्ट रुपीस 48 बाई 12। अभी 19 का बता देते हैं, 48 बाई 12 इंटू 19, ठीक से लिख देती हूँ, 19, तो ये 12 फोर जा 48, 19 फोर जा 76, तो कितना रुपया हुआ, 19 रुपीस, ठीक है, तो कितना, 19 अंडे का दाम हुआ 96 रुपीस। तो देयर फॉर 19 एग्स कॉस्ट रुपीस 76, दैट इज। सेवन नंबर, 5 केजी पोटैटोस कॉस्ट रुपीस 60, हाउ मच विल 8 केजी पोटैटोस कॉस्ट, 5 केजी पोटैटो का कॉस्ट यदि 60 किलो है, तो 8 केजी पोटैटो का दाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर भी 5 केजी का दाम अगर 60 रुपया है, तो 8 केजी का दाम निश्चय ही बढ़ के होगा, यहाँ पर कम रहा है तो यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर बढ़ा है तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। 7 नंबर, केजी एंड रुपीस, 5 केजी का दाम है 60 रुपीस, तो 8 केजी का दाम कितना होगा, ठीक है। तो चलिए, 5 केजी पोटैटो कॉस्ट इक्वल टू रुपीस 60, 1 केजी पोटैटोस कॉस्ट इज 60/5, अभी 8 केजी पोटैटो कॉस्ट इक्वल टू 60/5 इंटू 8, ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 इक्वल टू 96, 12 8 जा 96 रुपीस 96। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर 8 केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट रुपीस 96, that is answer. Whoever can make 7 toys in 21 days, how many toys can we make in 12 days? मैंने क्या है, अनवर 7 toy 21 दिन में complete करके बनाता है, तो 12 toy बनाने में 12 दिन में कितना toy बनाएगा, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पहले लिख लेना है 7 टॉयज 21 डेज और 12 डेज, तो जो मैंने लिख दिया है अभी इसके लिखते हैं। अनवर टेक 21 डेज टू मेक, ये लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू मेक 7 टॉयज, अनवर टेक 1 डेज टू मेक 7 टॉयज बाई 21, ठीक है। अभी टॉयज, अभी अनवर टेक 12 डेज मेक 7 बाई 21 इंटू 12, ठीक है। 7 से काटते, 7 वन जा 7, 7 3 जा, ये 3 से कटेगा 4, तो कितना हुआ आंसर 4, कितना 4 टॉयज बनाते हैं वो, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर अनवर मेक 4 टॉयज 12 डेज, दैट इज आंसर, ठीक है। 9 नंबर में चलते हैं। 12 पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹72, हाउ मच विल 18 पैकेट कॉस्ट। 12 पैकेट बिस्किट का दाम यदि ₹72 है तो 18 पैकेट बिस्किट का दाम कितना होगा। सिंपल इसको लिख लेते हैं। 9 नंबर क्या क्वेश्चन में, कॉस्ट और बिस्किट पैकेट्स एंड कॉस्ट। 12 पैकेट में ₹72 है तो 18 पैकेट में कितना रुपया होगा, ठीक है। 12 पैकेट ऑफ बिस्कुट कॉस्ट इक्वल टू ₹72, ठीक है। वन पैकेट बिस्कुट कॉस्ट इक्वल टू ₹72 बाई 12, 18 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट कॉस्ट इक्वल टू 72 बाई 12 इंटू 18। अभी इसको काटेंगे, 12 वन जा 12, 12 सिक्स जा, ये 18 इंटू 6 इक्वल टू 108, ठीक है। ₹108, ठीक है। अभी लिखेंगे देयरफॉर 18 पैकेट, ये स्टेप बच्चों बहुत जरूरी है आपको लिखना, बिस्कुट्स कॉस्ट ₹108, दैट इज आंसर, ठीक है। 9 नंबर हो गया है। 10 नंबर में चलते हैं। इन 14 डेज 500 मशीन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, हाउ मेनी मशीन पार्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 12 डेज। 4 दिन में 500 मशीन पार्ट मैन्युफैक्चर माने तैयार होता है, ठीक है। 500 मशीन पार्ट 4 दिन में तैयार होता है तो 12 दिन में कितना मशीन का पार्ट तैयार होगा, ठीक है। तो लिखते हैं 10 नंबर, डेज एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। 4 डेज में 500 मैन्युफैक्चर मशीन होता है तो 12 दिन में कितना होगा, दैट इज। तो अपने लिखेंगे इन 4 डेज मैन्युफैक्चर्ड 500 मशीन, देयरफॉर इन 1 डेज मैन्युफैक्चर 500 बाई 4 मशीन्स
टू इन 12 डेज मैन्युफैक्चर 500/4 इंटू 12, ठीक है। अभी इसको काटेंगे, 4 3 जा ये कितना हुआ, 5 3 जा 15 डबल जीरो मशीन। तो आंसर में लिखेंगे इन, देयरफॉर इन 12 डेज 1500 मशीन पार्ट आर मेनू मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज आंसर। तो बच्चों देख लीजिए, एकदम सिंपल है, मैं 10 का 10 आपको करके दे दिया है। यहाँ मैंने आपको 1 से 10 कर दिया है, पेज नंबर 1898। नेक्स्ट डे के लिए मैं फिर वीडियो दूसरा डालूंगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद।